नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों से बहुत जो लोगों के बीच में एक माहौल सा बना हुआ है कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या करें, समस्या ही समस्या है। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है ना बेरोजगार की कि वैकेंसी नहीं आ रही सर टीचर की, तो मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब तो उस समस्या से हम लोग कैसे निजात पाएँ। मित्रों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, क्या आपके पास कोई इलाज है उस चीज़ का? जब इलाज नहीं है, हमारे पास केवल एक ही इलाज है, केवल पढ़ना, तो फिर क्यों ना उस इलाज को, उस बीमारी को हम उससे ठीक करें। तो फिर निश्चय होकर के आप पढ़ाई कीजिए ना। आप क्यों सोचते रहते हो वैकेंसी नहीं आ रही है सर, मन नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों सोचना भाई? आपने जब सोच लिया कि सर मुझे तैयारी करनी है, तो जब तैयारी करनी है तो फिर आप उसकी क्यों सोचते हो? अरे आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। ये आपका काम तो है नहीं ना वैकेंसी निकालने का। आपका काम है क्या वैकेंसी निकालने का? बताओ, नहीं है। गवर्नमेंट का काम है वैकेंसी निकालने का। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उलझी हुई होगी, कहीं ना कहीं कोई रीजन होगा। ऐसा आपको सोचना ही नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। भाई आपने प्रण ले लिया कि मेरे को तो सर मैंने सोच लिया है तैयारी करनी है और जॉब लगनी है। देखो, सबसे बड़ी जो समस्या है ना उस व्यक्ति को है जिसकी एज उस लेवल तक आप पहुंची है कि अब तो ओवर एज होने वाला है, तो उस व्यक्ति को बड़ी समस्या है। लेकिन जो अभी है उसके पास एज है, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी, तो ऐसे बंदे को, ऐसे स्टूडेंट को सोचना ही नहीं है। तो मित्रों, आप पूरा वीडियो सुनिएगा कि किस तरह से हम अपने जीवन को जो है कैसे सक्सेस में बदल सकते हैं, या किस तरह से सक्सेस हो सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव रह करके। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कंप्लीट बात को सुनना, उसके बाद में डिसीजन लेना कि क्या है यार बात बिल्कुल सही बोली है सर ने। तो निश्चित रूप से आज मैं आप लोगों को एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, सफलता का मूल मंत्र मान के चलिएगा आप लोग, ठीक है? सबसे पहली बात है कि साथियों, पॉजिटिव रहें। जीवन में कभी भी नेगेटिविटी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव रहना सबसे मेन चीज है। अगर आप पॉजिटिव रहे तो 100% आधा रास्ता तो आपने वहीं खत्म कर लिया, ये मान के चलिए। और आपके अंदर एक भी बात नेगेटिव आई, मुझे पता है मानव स्वभाव है, आती है बात कि सर क्या करें, मन नहीं लग रहा सर, सर वैकेंसी तो है नहीं है सर, कैसे पढ़ें सर, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, मैं तो ऐसा कर लेता हूँ सर, कोई ना कोई स्कूल ज्वाइन कर लेता हूँ सर। जैसे ही आप लोगों ने उस जाल में, उस जंजाल में पढ़े और आपके साथ ऐसा हुआ, और मेरी गारंटी आधा रास्ता आपने वहीं ख़त्म कर दिया। अर्थात जो जीतने वाले थे आप, जो जंग आप जीतने वाले थे, सक्सेस की स्टोरी लिखने वाले थे, आधी स्टोरी तो आपकी वहीं ख़त्म हो गई। यानी कि अब शुरू से वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, जब भी आप तैयारी करोगे। ऐसा होता है मीठा जहर, उस मीठे जहर के जाल में जो पड़ गया ना, उनसे पूछो कि उसने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को कैसे कैसे जिया है। अरे हजारों में, लाखों में अगर कोई उस मीठे जहर के जाल में पड़ कर के जो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो उसके आ रहे थे, जेब खर्च उसकी चल रही थी, और उसके बाद में वो चलते 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 उस एज के पड़ाव पर आ पहुंचा, अब वो सोचने लगा है कि मुझे यार पढ़ लेना चाहिए, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए सोच लेना, वैकेंसी आए न आए अभी, अरे 4 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि यार चल ठीक है मैं जॉब कर लेता हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, वो जॉब कर लेता हूँ। मैं मानता हूँ आपका मन भी करेगा, उस व्यक्ति को करने की इजाज़त मैं दे सकता हूँ जिस व्यक्ति के पास जिम्मेदारियाँ हैं, जिस व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना है, उस व्यक्ति को हो सकता है कि उसे करना पड़े पार्ट टाइम, जो उसकी मजबूरी है। लेकिन यार जिनकी मजबूरी नहीं है वो क्यों रहे भाई, वो तो तैयारी करे ना। हाँ, तो सक्सेस का एक मूल मंत्र ये मान के चलिएगा आप,
ये सोच लीजिएगा, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, दिल से बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी मजबूरी नहीं है मीठे जहर को पीने की तो मत पिए। मीठे जहर का मतलब है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं और बस इंजॉय इंजॉय चल रहा है हमारा, तो इस मीठे जहर के चक्कर की बात कर रहा हूँ। मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ जिसकी जिम्मेदारियों का वहन जिसे करना है उसे तो करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर उसकी मजबूरी है तो उसको टाइम टेबल वैसे ही सेट करना है, जॉब करने के साथ साथ उसको कैसे तैयारी करना है ये उसको देखना है। लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है, जो अभी 22 23 25 साल का हुआ है, जिसकी मजबूरी नहीं है, घर वाले सब कुछ दे रहे हैं, तो भैया क्यों पढ़ रहे हो उस मीठे जहर में, उसको क्यों पीने की कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती, क्यों सोच रहे हो यार मैं ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ फिर वैकेंसी आएगी तब तैयारी कर लूंगा। अरे एक बात बताइए, तब इसके पीछे कितने लोग आगे निकल जाएंगे बताओ जल्दी, आपसे कितने लोग आगे निकल जाएंगे बताइए। मित्रों आपको बुरा लग रहा होगा मैं जो कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। आपके कमेंट आने चाहिए कि सर बिल्कुल सत्य बात है, मन करता है ऐसा, ठीक है साथियों। तो ये सबसे मेन चीज है। दूसरा मूल मंत्र सोच लेना, दूसरा मूल मंत्र ये है कि आपको अगर आपने किताबों को सेलेक्ट कर लिया है कि सर मुझे ये किताबें पढ़नी है, सर मुझे ये नोट्स पढ़ने हैं, तो फिर ये मान लेना, उनके ऊपर विश्वास कर लेना, और विश्वास के साथ जितनी भी बार पढ़ो उन्हें ही आप लोगों को पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है। मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट की बुक आपको महीने लाड लेकर के आनी है, बाकी चीज़ों को आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से, एक बार कोर्स पूरा हो जाता है तो दो बार पढ़िए, दो बार हो जाता है तो तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, दस बार पढ़िए। अरे पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा क्यों है, जब पढ़ने में उस जाल में कूद ही चुके हैं तो निकलना तो पड़ेगा ना उस पिंजरे से, कैसे न कैसे तो निकलना पड़ेगा। अरे जब ओखली में सिर दे ही दिया है, अब खाए कुछ भी करें या सिर फूटे कुछ भी करें, हाँ जब दे दिया है तो फिर क्यों सक्सेस नहीं होना भाई, ये चीज ध्यान रखो। तो ये है सबसे मेन चीज, आगे बात समझ में। तो दो मूल मंत्र मैंने आप लोगों को दे दिए, तीसरा मूल मंत्र मान लेना सक्सेस का, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने मन को अपने जीवन को शांत वातावरण में रख करके बिना किसी नेगेटिव पर्सन से बात करते हुए पॉजिटिविटी अपने मन के अंदर रखते हुए और आगे बढ़ना है, ठीक है। तीसरी बात मैंने आप लोगों को बता दी। चौथी बात है मित्रों, कभी भी किताबों के भंडार मत लगाइए, कभी भी किताबों के भंडार लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मैं तो वो किताब लेके आ गया, वो लेके आ गया, फिर कुछ भी नहीं पढ़ पाया, ऐसे मत करिए। आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, फिर कहोगे सर मेरे तो याद ही नहीं होता, सर मेरा तो ऐसे ही नहीं होता, मैं क्या करूँ, तो ये समस्याएँ आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना। अगली बात है, अगर आपको याद नहीं होता है तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था मेरा वीडियो देख लेना, याद आपको होने लग जाएगा 100%, ये मान लेना, जादू की छड़ी मान लेना उस चीज़ को, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी मेरी बातें, दो बात मैंने चार बातें बताई, एक तो मीठे जहर में जो थोड़े थोड़े पैसों का जहर जो मिलता है उसमें मत पड़िएगा अगर ज़रूरत नहीं है तो, आपको ज़रूरत है तो निश्चित रूप से आप जॉब कीजिए लेकिन अपने टाइम को मैनेज करके चलिए। तीसरी बात है, आपको नोट्स जो है ज़्यादा इकट्ठे नहीं करने हैं, सेलेक्टेड नोट्स सेलेक्टेड मैटर से ही आपको तैयारी करनी है, करंट के अलावा, करंट के हर बार आप किताब लेके आइए, उसके बाद में सिलेबस पूरा हो जाता है सिलेबस को रिवाइज कीजिए। चौथी बात है, टॉपिक वाइज आप पढ़िए, एक टॉपिक को पढ़ने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जरूर लगाइए। आपको लगता है क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर की बुक ले लीजिए, उससे क्वेश्चन आंसर लगाइए। चौथी बात मैंने आपको बता दिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए बुक और नोट्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया तो 100% आपको कोई नहीं रखता रोक सकता सक्सेस से। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे कीमती बात है जो याद रखनी है आप लोगों को, और वो सबसे कीमती बात है,
इस समय जब वैकेंसी नहीं है तो किस तरह से पॉजिटिव रह करके तैयारी करें, यह सबसे मुख्य बात है। अगर आपने इस बात को फॉलो कर लिया तो 100% आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मित्रों, निश्चित रूप से आपका जो संघर्ष है वो सफलता की कहानी लिखेगा अगर आप लोगों ने इन सब बातों को फॉलो किया है। तो मित्रों, याद रखिएगा, जीवन हमेशा सक्सेस वालों को ही दिखाता है या सक्सेस हो जाते हैं उन लोगों को ही लोग जो है हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, और जो नहीं होता है साथियों उसको, अरे यार इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इस तरह की बातें चलती रहती है। तो कुल मिला के बात ये, पॉजिटिव रहिए, सिलेक्टेड मैटर से पढ़िए और मन को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। तो साथियों, अगर बात आपको अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।